नमस्कार, पत्रिका टीवी के न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हार्दिक दवे। रुख करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिव्यांगों ने व्यक्त किया शासन के खिलाफ आक्रोश, योजना का नहीं मिल रहा लाभ, अधिकारियों ने दिया आश्वासन। एडीजी की बहन बनकर 10 माह तक देती रही चकमा, पुलिस गेस्ट हाउस में रहकर अफसरों पर जमाती थी रौब। मजदूरों के लिए चल रही अनेक सरकारी योजनाएं, देखिए मजदूर दिवस पर रिपोर्टर उत्तम राठौर की खास रिपोर्ट। देवास जामा मस्जिद को मिले नए काजी, 50 सालों तक सलीमुद्दीन ने संभाली कमान। राजकुमार मंडी के व्यापारी पहुंचे कलेक्टर के द्वार, मंडी शिफ्ट कराने की कर रहे हैं मांग। ये ना हो तो घर की ईंट नहीं जुड़ेगी और अगर ये ना हो तो घर में पानी की लाइन तक नहीं डलेगी। यदि ये ना हो तो पक्की सड़कें नहीं बनेंगी और यदि ये खेतों में मजदूरी करना छोड़ दें तो हमारे अनाज के लाले तक पड़ सकते हैं। इतने अहम होने के बावजूद भी आज मजदूर अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। आइए पत्रिका इंदौर की खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि मजदूरों के लिए सरकारी योजनाओं का कितना लाभ निचले स्तर तक पहुंच पा रहा है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वालों को कुछ लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन असल मायने में हम सबके जीवन में इनका किरदार अहम होता है। मजदूरी करने वाले असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीयन किया गया है। इंदौर शहर और जिले में मिलाकर करीब 5,75,000 का पंजीयन हुआ है। इसमें इंदौर शहर के करीब 3,06,000 और जिले के लगभग 2,70,000 मजदूर शामिल हैं। इन्हें 200 रुपये प्रति माह में बिजली मिलेगी, मकान सहित अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जिन लोगों का पंजीयन हुआ है उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं और निगम शहरी गरीब उपशमन प्रकोष्ठ के अनुसार इंदौर में 5,75,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन 1 से 15 अप्रैल के बीच नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर किया गया है। वहीं पंजीकृत संगठित श्रमिकों की संख्या करीब 2 लाख है। इस तरह 7,75,000 का पंजीयन अब तक किया जा चुका है। आज मजदूर दिवस पर मजदूरों से जुड़ी ऐसी कई योजनाएं हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए और जिनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत असंगठित श्रमिकों को कई लाभ ऐसे मिलेंगे ताकि उनका उत्थान हो सके और उनका विकास हो सके। श्रमिकों की बेहतरी और आर्थिक विकास के साथ सामाजिक बेहतरी, बच्चों को बेहतर शिक्षा और अन्य सुविधाएं देने के लिए उनका पंजीयन किया जा रहा है। कृषि मजदूर, लघु कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंटें बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले और मोटर परिवहन में काम करने वाले जैसे कई मजदूर ऐसे हैं जो आज भी इन सभी व्यवसायों से वंचित हैं, पैसों से वंचित हैं और सुख सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में इन योजनाओं को उन तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। जल्द ही इन मजदूरों को 200 रुपये मासिक पर बिजली मिलने लगेगी। इनकी गर्भवती महिलाओं को 4,000 रुपये जबकि प्रसव होने के बाद 12,500 रुपये दिए जाएंगे। घर के मुखिया की सामान्य मौत पर परिवार को 2 लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये की सहायता भी परिवार को दी जाएगी।
भूमिहीन मजदूर को जमीन और मकान मिलेगा, स्वरोजगार के लिए उन्हें ऋण मिलेगा, साइकिल रिक्शा चलाने वाले को ई रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वाले को ई लोडर का मालिक बनाया जाएगा, साथ ही बैंक ऋण की सुविधा भी 5% ब्याज अनुदान के साथ 30,000 की सब्सिडी इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में मजदूरों का उत्थान तो निश्चित है। दरअसल आज इन सुख सुविधाओं के बारे में चर्चा करने का कारण यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मई 1886 को इस मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत देश में 1 मई 1923 को मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था, लेकिन तब इसे मजदूर दिवस नहीं बल्कि मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है और ऐसे में पत्रिका इंदौर मजदूर दिवस पर सलाम करता है इन मजदूरों के जज्बे को और इन मजदूरों की मेहनत को। राजकुमार, मंडी से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के चलते नगर निगम ने कई कब्जों को वहां से हटा दिया था, साथ ही 20 दुकानों को सील भी कर दिया था। ये सारी वो दुकानें थी जिन्होंने कई वर्षों से निगम का बकाया शुल्क नहीं भरा था। इस सब के बाद अब व्यापारी निगम के विरोध में मोर्चा खोल चुके हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, और न केवल निगम बल्कि आईडीए के विरोध में भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आज ये सभी व्यापारी कलेक्टर निशांत वरवड़े से मिलने पहुंचे। राजकुमार, सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने की मुहिम नगर निगम ने शनिवार को चलाई। इस दौरान फुटपाथ पर बने टीन शेड और अन्य दुकानें बड़ी संख्या में हटाई गई, साथ ही वर्षों से निगम का किराया न देने पर 20 दुकानें भी सील की गई थी। कार्रवाई का विरोध पिछले 2 दिन से व्यापारी लगातार कर रहे हैं। निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के खिलाफ व्यापारियों ने धरना देकर हाथ में काले झंडे लेकर आज जुलूस निकाला। वहीं कलेक्टर निशांत वरवड़े से मिलने भी वो गए। राजकुमार, मंडी से रैली के रूप में व्यापारी अपने परिवार के साथ कलेक्टोरेट सुबह 11 बजे के बाद पहुंचे। यहां आईडीए द्वारा स्कीम नंबर 78 में मंडी के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वहां शिफ्टिंग की मांग भी रखी गई। कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोलने वाले पूर्व पार्षद रमेश घाटे, व्यापारी सतीश शर्मा और किशोर मरमट ने कहा कि दुकान न लगने से छोटे व्यापारी और मजदूरों का खासा नुकसान हो रहा है, इसलिए जब तक शिफ्टिंग नहीं होती तब तक मंडी में दुकानें लगाने दी जाएं। इसको लेकर कलेक्टर से बात भी की गई। घेराव के लिए 5 से 7 हजार लोग एक साथ कलेक्टोरेट पहुंचे। कलेक्टोरेट में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भोपाल आने पर उनका घेराव करने भी वे 4 मई को भोपाल पहुंचेंगे। पुलिस का काम संदिग्ध चेहरों को पहचान कर उसकी असलियत को उजागर करना होता है, लेकिन इंदौर पुलिस ऑफिसर मैस में एक युवती ने 10 महीने गुजार दिए और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। चिंता का विषय यह है और हैरत की बात भी कि युवती 10 महीने तक खुद को एडीजी की बहन बताकर रह रही थी और अफसरों पर अपना रौब जमा रही थी। पुलिस को इसकी भनक तो लगना दूर, उल्टा पुलिस वालों ने 24 घंटे के लिए युवती के साथ गनमैन उसकी सुरक्षा के लिए रख रखे थे। जैसे ही मामला सामने आया पुलिस ने देर रात उस पर कार्रवाई की और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और कई अहम सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा में चूक और पुलिस की गंभीर लापरवाही का ये मामला है पोलो ग्राउंड स्थित पुलिस अधिकारियों की हाई प्रोफाइल मेस का, और मामले का खुलासा हुआ सोमवार देर रात 12 बजे के लगभग। इस मेस के चारों तरफ सुरक्षा ऐसी है कि कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पूरे 10 माह तक एक युवती खुद को इंदौर एडीजी अजय शर्मा की बहन बताकर रुकी रही थी। वह वीवीआईपी मेहमान बनकर पुलिस पर रौब झाड़ती रही और पुलिस वालों ने भी उसकी सुरक्षा में गनमैन लगाकर 24 घंटे के लिए गाड़ी और ड्राइवर भी उसे दे दिए थे। युवती सरकारी गाड़ी में ठाट बाट के साथ घूमती थी और कुछ दिनों पहले अधिकारियों को युवती द्वारा रौब झाड़ने से शक हुआ और उन्होंने बातों ही बातों में एडीजी से पूछा कि आपकी बहन को मैस में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। इस पर एडीजी भी चौंक गया और उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई बहन इंदौर में है ही नहीं। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए और आनन-फानन में विशेष टीम बनाकर आधी रात को मैस में छापा मारा गया। पूछताछ में सामने आया कि युवती का नाम सोनाली शर्मा है और उसकी उम्र 32 साल है। वो भोपाल में भी विभिन्न सरकारी गेस्ट हाउस में कई महीनों तक रह चुकी है और अधिकारियों की गाड़ी से इंदौर आती थी। अभी तक ये जानकारी मिली कि एक 25-30 साल की एक युवती है जो कुछ अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लेके और कुछ ऐसा रहता था कि किसी न किसी से फेवर लेती थी,
तो ऐसी हमको जानकारी मिली थी, और ये भी पता चला कि वो शायद मेस आई है कोई पर्टिकुलर फेवर या कहीं रुकने या इस तरह के अरेंजमेंट करने के लिए। तो जैसे ही सूचना मिली उस पर तत्काल यहाँ पे महिला अधिकारियों को भेजा गया, और उसकी अभी उससे वहाँ से पूछताछ वगैरह उसे करेंगे, देखते हैं क्या है पूरा उसका क्या इतिहास रहा। पढ़ाई के लिए या फिर कुछ किस पर्पस से आई थी? नहीं पढ़ाई नहीं, इसका अभी क्लियर नहीं कि किस वजह से आई थी यहाँ पे या क्या चाहती है। अभी सारी चीज़ें पूरा जब विस्तृत पूछताछ होगी तभी पूरा इसमें क्लियर होगा, और ये कब से ऐसा कर रही है, कब इसने कितनी बार फेवर लिया है, किससे लिया, वो सारी चीज़ें इस पूछताछ में पता चलेगा। कितने समय से सर जानकारी मिल? यहाँ तो नहीं रुकी अभी, बस में नहीं रुकी अभी सर। प्रारंभिक तौर पे किन लोगों के नाम सामने आए थे? अब हम पूछताछ करेंगे तभी बता पाएंगे कुछ। पुलिस ने यह भी बताया कि यहाँ रुकने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, और कोई गोपनीय जानकारियां तो इंदौर से नहीं भेजी गई हैं, साथ ही इसके पीछे कोई और तो नहीं है। इन सभी बातों के लिए पुलिस अब भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस की मैस में ही एक महिला के 10 माह तक रुके रहने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी विवेक सिंह, एएसपी धनंजय सिंह और महिला अधिकारियों की टीम देर रात तक उस महिला से पूछताछ करती रही। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर मंगलवार को दिव्यांगों ने चक्का जाम कर दिया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा उनके लिए पारित की गई तमाम योजनाएं सिफर हैं, उन योजनाओं का कोई लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है। इसी के विरोध में उन सभी ने आज प्रदर्शन किया और सरवटे बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। भारी संख्या में पहुंचा पुलिस बल उन्हें समझाने लगा, और अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद दिव्यांगों ने इस धरने को समाप्त किया। दिव्यांगों के हितों के लिए वर्ष 2016 से मध्य प्रदेश शासन ने बसों में सफर करने के दौरान दिव्यांगों को आधा किराया देने की घोषणा की थी। साथ ही बसों में दिव्यांगों के सफर के लिए 2 सीट आरक्षित करने की बात भी कही गई थी। बावजूद इसके दिव्यांगों को बस में सफर करने के दौरान उनसे पूरा किराया तो वसूला जाता ही है, साथ ही साथ बस संचालक उनसे बदसलूकी भी करते हैं। इस बात से नाराज दिव्यांगों ने मंगलवार को सरवटे बस स्टैंड पर जमकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। घेराव की सूचना मिलते ही आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी भी मौके पर पहुंचे, साथ ही उन्होंने समस्या का निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया। अब एक नई व्यवस्था के साथ नई शुरुआत की जाएगी ताकि दिव्यांगों को किराए में रियायत मिल सके। अधिकारियों की समझाइश के बाद दिव्यांग मान गए और प्रदर्शन समाप्त कर लौट गए, लेकिन सवाल अब भी ये उठता है कि सरकार के आदेश के बाद भी आखिरकार दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, और अपनी योजनाओं के लाभ के लिए उन्हें आज भी संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। देवास के जूनियर रियासत में आने वाली ईदगाह जामा मस्जिद के बाहर कल रात वो पल था जिसका इंतजार देवास के मुस्लिम समाज को बेसब्री से था। जूनियर शहर काजी के पद को संभाल रहे पिछले 50 साल से फारूकी ने अब अपनी पदवी अपने बेटे अबुल कलाम फारूकी को सौंप दी है। गौरतलब है कि सलीमुद्दीन ने अपनी सारी उम्र में एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम और शहर की खिदमत के लिए लगा दी। 50 साल तक वे शहरवासियों की सेवा में सतत लगे रहे और हर समाज में अपनी पैठ बनाए रखी है। काजी अबुल कलाम फारूकी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अदीब यानी कि 10वीं और माहिर यानी कि 12वीं की पढ़ाई की है। अबुल साहब ने काजी बनने से पहले काजी कारी और मौलवी की भी पढ़ाई की है। अबुल अपने पिता के साथ गत 16 साल से नायब काजी के रूप में कार्य कर रहे थे। अबुल की दस्तार बंदी उलमाए करीम के दरते मुबारक से की गई। ईदगाह के सामने मंच लगा था जहां पर सभी समाज के वरिष्ठ लोग मंचासीन थे। काजी की दस्तारबंदी के साथ ही समाज के अन्य लोगों का सम्मान भी किया गया। ये कार्यक्रम ऑल मुस्लिम देवास के द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर के सभी धर्म के 36 खास शख्सियत और धर्म गुरुओं का भी सम्मान इस मंच से किया गया। सब अपन देवास के ही
सभी से गुजारिश है मन से खाली कर दे जल्द से जल्द। हमारे इस प्रोग्राम में सभी कान से कर दो, तुमको घर डाल दे। फरमा है जिनसे हमें इस्तीफा करना है और जिनको सुनने के लिए हम सब जमा हो गए हैं, जिनमें काजी अब्दुल रहमान साहब दावत बरका तुम है, वो काजी शहर है, इन दोनों से तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत वाला से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हम तमाम मुस्तफिजीन को महजूज फरमाएं। दस्तारबंदी के मौके पर बेहतर समाज सेवा के लिए शाहिद मोदी को सम्मानित किया गया। नए काजी अबुल कलाम फारूकी का कहना है कि जिस तरह से मेरे पिता ने शहर की भलाई के लिए सारी जिंदगी लगा दी, उसी तरह मैं भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर शहर के हित में काम करूंगा, साथ ही कौम के लिए भी काम किया जाएगा। काजी अबुल कलाम फारूकी को मुख्य काजी पद पर दस्तारबंदी मौलाना सैयद हबीबुल्ला मदनी, अशरद मदनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के दस्ते मुबारक से की गई और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी पत्र भेंट किया गया। चुनावों में आजकल किसी नेता या किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगते, बल्कि सबसे ज्यादा आरोप यदि किसी चीज पर लगते हैं तो वो है ईवीएम मशीन। इसी ईवीएम मशीन की तकनीकी खराबी को लेकर के कई सवाल पहले खड़े किए गए थे और इसीलिए आज इंदौर में सभी ईवीएम मशीन की जांच की जा रही है। मंगलवार को इंदौर के नेहरू स्टेडियम पर ईवीएम मशीन की टेस्टिंग का काम सुबह से शुरू हुआ। आने वाले चुनावों में ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी हार का ठीकरा तकनीकी खराबी पर न फोड़े, इसीलिए अभी से चुनाव के मद्देनजर ये मशीन की टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। मंगलवार का दिन जनसुनवाई के नाम रहा, जहां कलेक्टर जनसुनवाई में भारी संख्या में फरियादी पहुंचे। अपनी अपने समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का दिन मंगलवार का होता है, जब सामान्य लोग अपनी परेशानियां लेकर डीआईजी और कलेक्टर के दर पर गुहार लगाने जा पाते हैं और सीधे संवाद के बाद उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाता है। आज भी कलेक्टर कार्यालय में काफी लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर निशांत वरवड़े के पास पहुंचे। पुलिस जनसुनवाई में भी एक बुजुर्ग महिला अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर डीआईजी से मिलने पहुंची। इन सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों ने इन्हें आश्वस्त किया है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर रवाना किया। आज सिंधी समाज के संत हरिकृष्ण दास स्वामी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर इंदौर की सिंधी कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संत हरिकृष्ण दास स्वामी की पुण्यतिथि के मौके पर सिंधी समाज ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। ये यात्रा सिंधी कॉलोनी से शुरू हुई और बैराठी कॉलोनी होते हुए खातीवाला टैंक पर समाप्त हुई। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत भी हुआ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे यानी हार्दिक दवे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।